हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की एक वैकेंसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अंडमान निकोबार की जो वैकेंसी है वो आई हुई है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर है वो मिलने वाली है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो ज़रूर देखें, एवं चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर ले जाए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है आपको, अगर नर्सिंग की बात करूं तो नर्सिंग के अंदर जितनी भी वैकेंसी जो हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, स्टेट हो, टेरिटरीज हो, कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर, यानी कि जो भी वैकेंसी है वो यहाँ पे है वो आपके लिए है, वीडियो बना के है वो प्रस्तुत है वो की जाती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। बात करूँ इसकी अंडमान निकोबार वैकेंसी की, जो कि काफ़ी लोगों ने है इसकी जो गलत जानकारियां हैं वो दे रखी हैं, उनको भी है वो सही आपको इसको कंप्लीट तथ्यों के साथ में, प्रूफ के साथ में है वो अच्छा वीडियो, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, वैकेंसी है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के द्वारा है ये वैकेंसी है वो नोट निकाली गई है, और वैकेंसी नोटिस है। इस वैकेंसी के अंदर ये जो वैकेंसी है ये पहले भी है वो आ चुकी है, नोटिफिकेशन है वो 16/12/2015 को आया था, 14/9/2018 को आया था, ठीक है, और 20/9/2018 को आया था, 21/1/2019 और 21/6/2019 को इस वैकेंसी के हैं ऑलरेडी है वो नोटिफिकेशंस हैं वो रिलीज़ किए गए थे, और अभी जो नया नोटिफिकेशन है वो अभी रिलीज किया गया है 3 मई को है वो रिलीज़ किया गया है अंडमान निकोबार गवर्नमेंट के द्वारा। वैकेंसी के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 4 मई से हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 जून 2023 है मिडनाइट है वो लास्ट डेट है वो इसकी रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसकी वैकेंसी की, तो वैकेंसी की बात करें, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, 105 पोस्ट पे है ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और जनरल की बात करें तो जनरल की 55 पोस्ट है, ओबीसी की 39 पोस्ट हैं, और ईडब्ल्यूएस की 11 पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेगी, और फिजिकली हैंडीकैप की बात करूँ तो 2 पोस्ट हैं वहाँ पर हैं वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है हेल्थ वर्कर मेल की है, 6 पोस्ट पे है ये वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, 3 जनरल की पोस्ट हैं, 2 ओबीसी की और 1 एसटी की पोस्ट है, 1 फिजिकल हैंडीकैप्ड की है और 1 एमएसपी की है पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें एएनएम की, एएनएम की है वो 43 पोस्ट हैं डीएचएस की हैं, और 6 पोस्ट हैं AAJVS की है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 28 और 4 पोस्ट हैं जनरल की हैं, 11 और 2 हैं ओबीसी की हैं, 4 EWS की हैं, 2 फिजिकल हैंडीकैप की हैं, और 2 पोस्ट है वो आपको MSP की हैं वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ये थी ANM की वैकेंसी। नेक्स्ट बात करें जूनियर रेडियोग्राफर कम रिसिपिएंट की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, 8 वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी 4 जनरल की हैं, 2 ओबीसी की, 1 एससी और 1 एसटी की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ एजुकेटर की वैकेंसी है, हेल्थ एजुकेटर के अंदर 7 पोस्ट हैं, 3 जनरल की पोस्ट हैं, 2 हैं वो ओबीसी की पोस्ट हैं, और 1 है वो एसटी की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि जो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट द अबाउट वैकेंसी नोटिस हैव बीन shortlisted as eligible appear for the written examination is attached, यानी इसी नोटिस के साथ में जो कैंडिडेट, ये 5 नोटिस हैं वो रिलीज किए गए थे, उनके अंदर जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं रिटर्न टेस्ट के लिए, उनकी लिस्ट भी है वो इसमें दी गई है, वो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में है वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे बात करें कि जो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें कि तो इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे आपको हम विजिट कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है eRecruitment.andaman.gov.in पर हैं वो, आप जाके विजिट कर सकते हैं, एंड andaman.gov.in पर भी हैं वो, आप जाके देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट है वो 1 जून 2023 से पहले पहले हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, होम ऑफ एप्लीकेशन है, ऑनलाइन मोड है वो आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट बाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट अंडर द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड मान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो भी इसके रिक्रूटमेंट रूल्स हैं कैटेगरीज वाइज हैं वो मैं आपको एक एक करके है वो बताने वाला हूँ। तो पहले बात करें कि जो नर्सिंग ऑफिसर की है, नर्सिंग ऑफिसर के अंदर बात करें स्टाफ नर्स या मेल नर्स हैं वो फीमेल नर्स भी हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों का है वो। सबसे बड़ी बात इसमें नो 80-20 भी है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट है ग्रुप बी की है, नॉन गजेटेड पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी है 105 पोस्ट हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी है वो डिस्कस कर चुका हूँ। और पे लेवल की बात करें तो वही आपको लेवल 7 की सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, 44,900 है वो आपको बेसिक सैलरी देखने को मिलेगी। इसके साथ में जो अलाउंसेज हैं वो जुड़ जुड़ा के आपको 70-80 सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फास्ट वूमे रिकोगनाइज बोर्ड एंड इसके साथ में GNM कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, BSc कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ में कोई ऐसा इन्होंने पर्सनल है वो नहीं दिया कि अंडमान निकोबार नर्सिंग काउंसिल से वो आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी भी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से हैं वो आप रजिस्टर्ड हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और डिजायरेबल रखा गया है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है वो, नर्सिंग के अंदर अगर डिग्री है तो वो डिजायरेबल रखा गया। साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो भी है वो डिजायरेबल रखा गया है, इच्छा रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट हैं वो आपको अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है एज रिलैक्सेशन भी है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें ANM की, तो ANM की भी आपको 25,000 लेवल 500 से 21,100 तक यानी कि लेवल 4 की है वो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। ANM भी है वो किसी भी स्टेट से है वो अप्लाई रजिस्टर्ड है वो हो सकती है। हेल्थ वर्कर की बात करें तो हेल्थ वर्कर भी मेल है, 21,700 लेवल 3 की सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें जूनियर रेडियोग्राफर की, जूनियर रेडियोग्राफर की भी है लेवल 3 की सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ एजुकेटर की बात करें तो हेल्थ एजुकेटर पे है वो लेवल 6 की है वो आपको सैलरी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री है वो आपके पास में है होनी चाहिए रिकॉग्नाइज, डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन ऑफ 1 ईयर रेगुलर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और डिप्लोमा इन GNM विथ 3 ईयर विद मिनिमम 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट भी है वो भी इसके अंदर है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन है जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी हैं उसमें कर द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन टर्म्स प्रीवियस वैकेंसी नोटिस अपडेटेड 16/15/14/9/18/20/9/18/21/21/6/19/21/6 नीड टू सबमिट एप्लीकेशन, यानी उनको दोबारा है वो फिल है वो फॉर्म है वो फिल है वो नहीं करना है। काफ़ी यूट्यूबर्स ने बता रखा है कि उनको फॉर्म है वो अपडेट करना है, तो आपको क्लियरली है वो मेंशन है वो किया गया है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि आपको दोबारा फॉर्म है वो नहीं कर सकता। इवन जो लिस्ट है वो आपकी इसके साथ में अटैच की गई है जो कि मैं आपको लास्ट में है वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो काफ़ी लोगों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो आप सभी लोग हैं वो कैटेगरी के अंदर हैं वो रिजर्वड होंगे, यानी कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो OBC SC ST के अंदर काउंट होंगे। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, OBC SC ST के अंदर आप काउंट नहीं होंगे, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप UR कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ओनली लोकल शेड्यूल ट्राइबल कास्ट हैव इट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्राइबल स्पेसिफिक कंडीशन अंडमान निकोबार शेड्यूल, ठीक है। तो ये अब कुछ पॉइंट हैं जो आप रीड कर सकते हैं कैटेगरी के वाइज के रिगार्डिंग, लेकिन मैंने आपको जो मोस्टली पॉइंट है वो बता दिया कि आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर हैं वो काउंट होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, ठीक है। एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड है वो आपको देखने को मिलेगा, इस वेबसाइट पे है आप जाके फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं, recruitmentandman.gov.in पर जाके हैं वो रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन टिकट है वो हॉल टिकट है वो आपको लेटर है वो
प्रिफर है वो किया जाए, इश्यू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड है, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 80%, मतलब 80% वो प्रोफेशनल हैं वो, और जनरल अवेयरनेस है वो 10% है वो आपको देखने को मिलेगा। जनरल साइंस 10% है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर है वो कोर्स है वो रखा गया है, वो रखा गया है MSN है, माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, फर्स्ट एड है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, फार्माकोलॉजी है, साइकोलॉजी है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल हाइजीन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ है, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल है, मेंटल है, पीडियाट्रिक है, पर्सनल हाइजीन है, OBG है, नर्सिंग केयर डिजास्टर है, बैरियर है। ये सभी आपका सिलेबस रहने वाला है। सेम इसी प्रकार आपका ANM का सिलेबस भी है, वो आपकी स्क्रीन पे है वो रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों एक वैकेंसी थी। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा शॉर्ट कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT एग्ज़ाम है वो होगी, और जो भी कैंडिडेट इसमें हैं वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हैं वो प्रिपर है वो किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी इसकी जो कैटेगरी वाइज लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इन्होंने कैटेगरी वाइज जो भी कैंडिडेट हैं इन नोटिस के अंदर, प्रीवियस नोटिस के अंदर है वो प्रीवियस वैकेंसी के अंदर जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं, वो कैंडिडेट हैं इसके अंदर एलिजिबल हैं, उनकी लिस्ट है वो आपने इसमें अटैच कर रखी है। PDF में है वो व्हाट्सएप ग्रुप में के अंदर है, वो शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाके हम फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। ये का लिस्ट है वो आप स्क्रीन पे हैं वो देख पा रहे होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके हैं वो क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से जाके आपकी एज सून एज पॉसिबल है वो आपकी हेल्प है, क्वेरी है वो सॉल्व है वो की जाएगी, तो वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है वो आप तक आ जाए, पहुँच जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।